जय हिंद दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं झाइयों का किला यानी नारोली डांग के किले के ऊपर। एंड वॉच टिल एंड, देखते क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल हम पहाड़ की आधी जगह पे पहुंच चुके हैं। देखिए इस तरह के मतलब पेड़ है यहाँ पे, धोख टाइप के, फिलहाल तो सूखे हैं। और चलिए ऊपर आगे जाके आपको दिखाते। देखो आगे बढ़ते भैया। ओ भाई ऊपर आ गए ना। ये देखो भाई, नारोली डांग, ये तीनों तीस मार खान, और वो रही अपनी नारोली डांग। और नारोली का फील्ड भी कुछ इस तरह से दिखाई देता ऊपर से, और उधर भी है होने को तो, पर उधर हम नहीं गए हैं फिलहाल। तो सामने वो जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये जीरो तो का पहाड़ है, पर हम फिलहाल नारोली डांग का जो दुर्ग है, फोर्ट है, उस पर जा रहे हैं। और गाइज हम, और ये है हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल, जब तो इंग्लिश मीडियम हो चुका है, और पेट्रोल पंप वगैरह बगल में है। और हम जो आए थे वो हम आए थे इस जगह से, शायद आपको दिख भी रहा होगा। महेंद्र भैया आध बीच में आ रहा है, पैर फिसलने का डर और होता है। देखो ये पैर फिसले तो दिक्कत, फिर यहाँ से पैर फिसला तो ये समझिए आप कहाँ जाके रुकोगे, खेल ख़त्म। बट हम ट्राई करते हैं आप आगे जाने की। गाइस ये वाली चट्टान है ना, इसको पकड़ के चढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। एंड यू सी, यदि पैर फिसला तो सोचिए कहाँ जाओगे, है ना। कहते हैं ना जो धोखे बन होते हैं ना, करौली में कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं, तो वही हाल है करौली डिस्ट्रिक्ट के ही हमें। और हालात ऐसे है कि धोखे बनी बन इतने हैं कि इनमें से निकलना ही मुश्किल है, जैसे कहीं शेर चीता मिल जाए। और गाजी अटक गया अचानक से, ये वाला हाय अटक गया अचानक। और आजा भैया, और हम तीनों अब देखिए दोस्तों यहाँ का आसपास का। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे चीते भी थे, और उनको तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ के यहाँ से हटा दिया है, इसलिए हम फिलहाल सुरक्षित है। और गाइज हम यहाँ पे चार जने आए थे, ये हमारे शुभम भैया, ये हमारे महेंद्र भैया, और कैमरामैन है हर्षित। अब हम यहाँ पे लगभग 80% डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, अब चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। आ जाओ भाई। और गाइज हम किले की दीवार पे पहुंच चुके हैं, किले की दीवार पे हम पहुंच चुके हैं, और उधर से होके हमको जाना पड़ेगा। गाइस फाइनल यहाँ पहुंच चुके हैं किले की दीवार पर, और इसके अंदर जाकर भी हम एक्सप्लोर करेंगे चीजों को। दोस्तों 1948 के आसपास राजा और ठाकुरों को इस किले को छोड़ना पड़ा, क्योंकि तब तो हमारा देश फ्री हो चुका था। ठंडक की रात में, और ये पुरानी फोटोग्राफी करवा रहे हैं यहाँ पे। वाह भैया वाह, क्या बात है। और गाइज हमारे दो कैंडिडेट फिलहाल सामान लेने के लिए गए थे, वो भी आ चुके हैं। अब देखो इस तरह से आना पड़ता है, खाना भी लेके आ गए साथ में। देखिए सर, ये एक कार्ड है जो हनुमान महाराज का है। और चलते चलते ये पहुंच चुके हैं हम इसके डुअर पर। अरे गलू भैया को हमने रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिया है, और ये सारे के सारे कैंडिडेट हमारे साथ के दोस्त यहाँ पे आ गए। दरअसल दोस्तों नारोली डांग के इस किले पर पहले ठाकुरों का राज हुआ करता था, और वो लोग राज करते थे करौली के राजा मदन पाल के देखरेख में। और हर कोई राजा लड़ाई के टाइम पे सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह के संरचनाएं बनाते थे। इसके अंदर क्या है थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं।
आपको इसमें जो नैरो टाइप की स्लिट दिखाई दे रही है इसमें से आप देख भी सकते हैं और बंदूकों के द्वारा किसी चीज को शूट भी कर सकते हैं यदि दुश्मन आ रहे हैं तो। और गाइस ये भी एक दूसरों से लड़ने के लिए और सैनिकों के रेस्ट करने के लिए जगह ही थी, इसमें भी जाके देखेंगे एक बार क्या कुछ है। और इसमें वही हाल है बिल्कुल जैसे कि अंदर आप देख सकते हैं, किसी ने मदद बुलानी है तो यहाँ से आप बोल सकते हो और उधर से आप देखिए इधर की साइड में। कहते हैं दोस्तों कि इस तरह की स्लिट्सों से राजा महाराजा शेरों का या और जानवरों का शिकार किया करते थे पुराने जमाने में। और ऊपर की साइड देखिए दोस्तों, पुराने जमाने की पट्टियां हैं, बहुत मजबूत होती है, पर यहाँ जो लोग आते हैं वो कुछ न कुछ अपना नाम पेंटिंग कुछ कर दी जाते हैं आखिरकार। और सारी सारी बिल्कुल चूने पत्थर की बनी हुई है सारी सारी है। और दोस्तों अब हमें आगे चलना चाहिए। और दोस्तों हम उस जगह आ चुके हैं जहां से हम नारोली डांग का फुल व्यू देख सकते हैं। और इस भाई साहब को शायद बैठने के लिए यही जगह मिली है, क्या मुस्कुराहट है। दोस्तों नारोली डांग पहाड़ की तलेटी के पास पास में बसा हुआ है, खेतों में तो आप देख सकते हैं घर बहुत कम है। और ये भाई साहब मुझे लगता है आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम दोस्तों जिस जगह पे खड़े हुए हैं उधर से सामने आपको दिखाई देता है ये जीरो तक का पहाड़। कहते हैं इस पे दुर्ग था, पर जब आप गूगल इमेज से देखोगे तो आपको वहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और नारोली डांग तो आप देख ही रहे हैं इस वक्त, इस तरह से नीचे गांव पहाड़। और अब हमको आगे चलना चाहिए। ये कुछ फोटो लेने वाले हैं सबके सब। किसी जमाने में ठाकुरों की रियासत होने वाला ये दुर्ग अब सिर्फ एक खंडर के रूप में मौजूद है। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पानी के इस टांके पर। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इसके अंदर धन होने की अब्बा के चक्कर में इसको फोड़ दिया है, पहले ऊपर तक था। और आसपास की ये दीवारें भी ये समझ लीजिए बिल्कुल खंडहर रूप में हो चुकी है जो पहले नहीं थी। इधर भी देखें तो इधर भी वही बात है, सारा का सारा आप भी जानते हो कोई भी दुर्ग होता है वो बिल्कुल एक तरीके से एक दीवार के अंदर ही होता है। तो गाइस हम चलते हैं उधर की साइड, उधर भी देखें क्या कुछ है। गाइस ये भी एक छोटा सा बंकर ही समझ लीजिए, फिर रसोई घर होगा मेरे हिसाब से तो वैसे है। और यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ भाई, वो क्या है, उत्तरी गाइस एक बकरी को खा के पटक रखा है शायद किसी जानवर ने, वो देखिए दिख रही होगी आपको जूम करके बता भाई, है ना, ठीक से दिख नहीं पा रही, बकरी को खा के दोस्तों पटक रखा किसी जानवर ने। खैर छोड़ो, भेड़िया वगैरह बहुत सारे घूमते हैं यहाँ पे, आ जाइए वापस। और उधर भी दोस्तों ये उधर भी खंडर ही पड़े हैं, मेरे हिसाब से कोई रसोई घर वगैरह ऐसी कुछ टाइप की चीज होगी। और ये भाई साहब इन लोगों ने ये पेंटिंग करके तो मजे ही कर रखे कुछ। ये लोग उधर की साइड पहुंच चुके हैं और अब हमें उधर की साइड चलना चाहिए और वहां से देखेंगे कि बाहर कैसा दिखता है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कॉर्नर नंबर 3 पर, यहाँ से देखते हैं कि बाहर कैसा कुछ दिखने वाला है हमको। तो यहाँ से ऐसा दिखता गाँव, ये देखिए वो यहाँ, ये जो आपको दिख रही है दोस्तों ये ट्रेन की पटरी रेलवे लाइन से, और यहाँ से जो ये रेलवे स्टेशन को सड़क जा रही है। और ये जो है ना दोस्तों ये आपको घर से दिखाई दे रहा है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक क्वार्टर है यहाँ पे, तो उनकी देख रेख में ही सारा काम यहाँ पे होता है। और ये एलकली की एक खान है यहाँ पे, इस खान में हम पहले भी आए थे, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, हम पहले आए थे उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। और ये देखिए यहाँ पे रेतीली मिट्टी अधिकतर है।
अब दोस्तों ये तो हम फोर्ट पर हैं और ये ऐसी फोर्ट के आसपास कुछ बनी होती है ना, छोटे छोटे कमरे टाइप के, ये वो होते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई संदेश देने वाला होता है कि भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से कुछ सिग्नल मिलते हैं और यहाँ पे तुरंत यहाँ की जो फोर्स है, सेना है, वो तुरंत एक्टिव हो जाती है, तो वो इस काम आते हैं। और दोस्तों उधर तो वापस फिर वही नारोल डांग का दूसरा पार्ट बसा हुआ है उधर की साइड में। चलिए हम आगे चलते हैं। आप ये रूम सा बना हुआ है, नीचे की साइड भी देखिए आप। तो हम वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पर हमारे दो चार साथी बैठे हैं, जाके उधर ही हम चलने वाले दोस्तों ऊपर से। ये गाइस सारे सारे आ रहे हैं, ये देखिए। और जिस दरवाजे से आए उसको आधी दरवाजा कहते हैं दोस्तों। और गाइस हम उधर ही जाएंगे नीचे की साइड अभी। गाइज हम परकोटे के अंदर पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक गुफा है। गाइज यहाँ पर एक गुफा है, उसमें आपको दिखाएंगे कि क्या है। तो यहाँ छोटी सी गुफा है गाइज, लगा दिया आगे जा। एक और मकान है, आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक और कमरा टाइप का कुछ बना हुआ है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस रूम के अंदर और यहाँ पर तो ततैयों ने भी छत्ते बना दिए हैं और अंदर से देखे जाए तो यह कुछ ऐसा दिखता है और इसकी दीवारों पर भी कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अक्षर तो ये हिंदी के जैसे ही लगते हैं पर कुछ समझ नहीं आता कि इनका मतलब क्या है। ये कुछ समझ में आ रहा, थोड़ा नामम सोजा कुरु कुछ ऐसे लिख रखा है, बट पता नहीं ये नामम सोजा कुरु क्या होता है। और ये भी कुछ देखो, ये कुछ ऐसा लिख रखा है, पता नहीं लैंग्वेज कौन सी है ना। और यहाँ से बाहर की तरफ देखें दोस्तों। और खाने के लिए हम सिर्फ सिंपल चीजें ही ले गए क्योंकि और खाने से आप यहाँ फंस सकते हो। गर्मी के मौसम में यदि आप कहीं भी जा रहे हैं तो पानी साथ में जरूर ले जाएं, नहीं तो डिहाइड्रेशन आपको मार देगा। और अब चलते हैं दोस्तों अगले स्ट्रक्चर की तरफ। गाइस हम पहुंच चुके हैं अंदर। अब ये देखो इस टाइप यहाँ पे जो बनावट है इस टाइप की है दोस्तों। और इसी स्ट्रक्चर को ऊपर से देखें तो कुछ ऐसी दिखाई देती है ये। और वापस हम नीचे आ चुके हैं और बस कुछ लोगों ने देखिए तोड़ फोड़ टाइप में कर दिए सारे के सारे। यहाँ से नारोल डांग ऐसा दिखता है कुछ। और अब हम चलते हैं एक और छोटे से टाँके की तरफ। ये इस तरह से बना हुआ है, इसको भी दो जगहों से फोड़ा हुआ है। कहते हैं कि पहले इनमें जो धंदौलत होता था उसकी कुछ सांप रक्षा करते थे और कुछ लोग उन सांपों के अब भी देखने की बात बताते हैं जैसा कि हमको पता चला। अब है कि नहीं वो तो बाद की बात है, हमको तो नहीं दी के खैर। कमाल की बात है ना दोस्तों, कुछ अंधविश्वासी लोग इनमें धन होने के चक्कर में हमारे प्राचीन इन चीज़ों के साथ तोड़ फोड़ कर देते हैं। और दोस्तों बता दूँ कि यूट्यूब पर नारोल डांग के फोर्ट की यह पहली वीडियो है। और अब हम किले से बाहर निकल लेंगे यहाँ से। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा है किले के दरवाजे पे। सारे के सारे हम अब निकल लिया किले से बाहर। और आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।